जो सेल्स है उसके बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन, सब सारी चीज़ के बारे में देख लेते हैं, जो सेल्स में क्या क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग आज से टिशू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए टिशू क्या होता है, ए ग्रुप और लेयर ऑफ सेल्स दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए सेल्स टिश्यू, अब जनरली बोल सकते हैं कि देखिए एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है या फिर लेयर ऑफ सेल्स होता है। जैसे मैं जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो क्या होता है, एक लेयर होता है सेल्स का। तो वैसे ही देखिए जो टिश्यू, आप बोल सकते हैं जनरली मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, लेयर ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, जो क्या करता है, एक जो वर्क करता है टुगेदर, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है एक साथ मिलकर के, ठीक है। जैसे ये छोटे छोटे सेल्स हो गए, ये आपस में मिल करके, आपस में ग्रुप बना के या लेयर बना करके एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करता है आपस में मिलकर, ठीक है। या जनरली आप ये भी बोल सकते हैं, देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन बट कैन बी डिफरेंट स्ट्रक्चरली। देखिए ये बोला ना यहाँ पे, देखिए जिसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है पर क्या उसका ओरिजिन और फंक्शन सेम ही हो सकता है। जैसे मैं जो स्क्वामस जो इपिथिलियम टिश्यू होता है, इपिथिलियम टिश्यू 5 प्रकार का होता है ना, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल हो गया, स्क्वामस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कोलमनार हो गया, सिलिएटेड हो गया, ग्लैंडुलर हो गया, ठीक है। ये सब टिश्यू हो गया ना, तो अलग अलग इसका मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन क्या फंक्शन सेम ही है ना, सिंपल। जैसे इपिथिलियम टिश्यू आप पढ़िएगा तो उसी में आपको पता चल जाएगा कि हाँ इपिथिलियम टिश्यू पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इपिथिलियम टिश्यू जो होता है 5 प्रकार का होता है। सिंपल स्क्वाम होता है, स्क्वामस होता है, उसके बाद से क्यूबॉइडल होता है, उसके बाद से कोलमनार होता है, सिलिएटेड होता है और ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़िएगा तो आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हम लोग कंसेप्ट दिए हैं, ठीक है। इधर जनरली आप ये भी बोल सकते हैं कि जो टिश्यू जो होता है वो कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जिसके पास सिमिलर, जिसके पास क्या होता है, समान रूप से उसका ओरिजिन होता है, स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या है वो सिमिलर होता है, बस। अब जनरली ये भी बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। देखिए उसके पास देखिए, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, मतलब जो टिश्यू का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं सेल्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स इज इक्वल टू साइटोलॉजी, उसी तरह स्टडी ऑफ टिश्यू इज इक्वल टू हिस्टोलॉजी। देखिए द टर्म हिस्टोलॉजी गिवन बाय मेयर्स, जो हिस्टोलॉजी टर्म हो किसने दिया है, मायर्स ने दिया था, कब, 1891 में, देखिए, ठीक है। उसके बाद देखो टिश्यू टू टिश्यू कनेक्ट विथ मैट्रिक्स। देखिए जैसे घर बनता है तो ईट आपस में, दो ईट होता है वह आपस में किसके थ्रू जुड़ा होता है, एक सीमेंट जो होता है ना, सीमेंट और बालू का जो मिक्सचर होता है उसी के थ्रू जुड़ा होता है। उस वहाँ पे कनेक्ट कौन कौन काम कर रहा है, ये जो सीमेंट का बालू है, सीमेंट और जो बालू है रेत है वो आपस में कनेक्ट करता है, वहाँ पे सीमेंट हुआ ना, कनेक्ट करता है एक दूसरे को। वैसे ही यहाँ पर टिशू से टिशू, जो भी हमारा टिशू है, टिशू से टिशू कौन कनेक्ट करता है, मैट्रिक्स जो करता है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। जो मैट्रिक्स होता है वो किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू में पढ़िएगा आप, उसी में मैट्रिक्स को अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ना क्या मतलब, एक प्रकार का कनेक्टिव कनेक्टर है, ऐसे मान लीजिए आप कनेक्टर है जो कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए टिशू आर 4 बेसिक टाइप्स का होता है टिशू, एपिथिलियम टिशू हो गया, इपिथिलियम बोल सकते हैं या फिर इपिथिलियल भी बोल सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, नर्व नर्वस टिश्यू या नर्व टिश्यू, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक। तो एक एक करके सबको समझेंगे कि इपिथिलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है और नर्वस टिश्यू क्या होता है। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। देखो इपिथिलियल टिश्यू, इपिथिलियल टिश्यू का कवरिंग कवरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक, कवरिंग लेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू वही कनेक्ट करने वाला, जैसे मान लीजिए मुझे और आपको कौन कनेक्ट कर रहा है, ये फोन, ये जो माइक है, ये फोन है, ये जो डाटा है, डाटा के पीछे जो लोग बैठे हो, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं हमें और आपको कनेक्ट कौन कौन कर रहा है, एक फोन कर रहा है एक प्रकार का हो गया, एक जो डाटा है नेट जो MB है वो एक प्रकार का हो गया, कि माइक हो गया, उसके बाद से यहाँ से वहाँ जो डाटा फाइबर जो केबल फाइबर जो हो गया वो हो गया, ये सब टावर सारे कंपनी हो गई, ये सब आपस में उसी तरह कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। इपिथिलियल टिश्यू कवरिंग वाला, जितने भी हमारे जो स्किन का कवर होंगे उससे लगाए, जो हमारे ऑर्गेन का कवर हो गया उससे, इपिथिलियल टिश्यू को आप कवरिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। मस्कुलर टिश्यू वही मसल्स वाले टिश्यू, नर्वस टिश्यू वही न्यूरॉन वाला जो टिश्यू हो गया ना, ऐसे आप न्यूरॉन बनाए थे ना, डेंड्राइट हो गया, न्यूरॉन हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है थोड़ा, न्यूरॉन या नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होता है वो कहाँ होता है, किडनी में होता है, जो न्यूरॉन होता है वो कहाँ होता है, माइंड में होता है, न्यूरॉन एक प्रकार का मैसेंजर का काम करता है, ठीक है। तो एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे और इन सबका वीडियो, जो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उनका सबका वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर एक एक करके देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी एक वीडियो, दो, तीन, चार वीडियो में सबको अलग अलग करके आपको बता दूंगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी।